तो अभी मैं जा रही हूँ सैर करने, और शाम के वक्त मैं कोशिश करती हूँ सैर करने की, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर राज ने ऑफिस जाना होता है, तो शाम के वक्त मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि सैर करने की। और आज मैं आपको अपने गांव का थोड़ा सा नज़ारा दिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसी जगह पर रहती हूँ, कैसा है गांव हमारा। और गांव की एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है मुझे कि यहाँ पर हरियाली बहुत देखने को मिलती है, ताज़ी हवा चलती है और फ्रेश एयर मिलती है। यू नो शहरों में आजकल कितना पॉल्यूशन हो गया है, तो बस इसीलिए गाँव में रहने का अपना ही मज़ा है। और हमारे घर पर यहाँ पर ये पीर बाबा की दरगाह बनी हुई है, तो ये पीर बाबा की दरगाह पर आई हूँ मैं माथा टेकने के लिए। वैसे तो मैं हर वीरवार यहाँ पर आने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी नहीं भी हो पाता है, तो मैं फिर भी आ ही जाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। हरियाली बहुत होती है गांव में, ये गांव की खासियत होती है सबसे अच्छी कि हरियाली बहुत होती है, पॉल्यूशन नहीं होता है, साफ़ हवा होती है, ताज़ी हवा मिलती है। खेत में ये आप जानते हैं कि अभी जीरी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, यानी कि धान की रोपाई हो जाएगी शुरू, यानी कि धान की फसल लगाएंगे लोग। और मैं यहाँ पर पगडंडी पर चल रही हूँ, खेत में जो जगह बनी हुई है, ट्रैक्टर से जो जुताई की जाती है, ज़मीन को पहले तैयार किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, मतलब धान की फसल लगाने से पहले, तो ये कुछ उस तरह की मिट्टी है। और ये देखिए कुछ लोगों ने अपने खेत में लगा भी ली है धान की फसल, यानी कि जीरी जो भी आप कहें, अगर आप गांव से, आई एम श्योर आप जानते होंगे जीरी या धान की फसल का ये सीज़न होता है, और मॉनसून जैसे ही आने लगता है तो उसके आसपास ही ये जीरी लगा दी जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पानी चाहिए होता है, तो पानी अच्छे से मिल सके ताकि बारिश का वक्त स्टार्ट होने वाला है अभी जैसे। तो ये देखिए कुछ लोगों ने तो लगा भी दी है, अभी कुछ दिनों में ही, बस दो चार दिन में अभी यहाँ पर आपको पूरे खेत में ये धान की फसल ही दिखाई देगी। सामने सड़क दिख रही है आपको, और वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो एक स्कूल है, वहाँ पर 12th तक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और काफ़ी अच्छे स्कूल बने हुए हैं यहाँ पर भी। शाम के वक्त इस रोड पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब सैर करने के लिए आते रहे, कोई जा रहा होता है, कोई आ रहा होता है, तो मतलब काफ़ी इसमें चहल पहल नज़र आती है इस रोड पर। और हमारे घर की भी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है, क्योंकि हमारा घर जो है मतलब ज़्यादा अंदर जाकर नहीं है, गांव में जैसा कि गलियां होती है तो उनमें जाकर नहीं है, बाहर की साइड ही हमारा घर है, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं आप देख रहे हैं ये। और शाम के वक्त यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छी लगती है, जैसा कि हम सड़क पर सैर करने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छी हवा लगती है, काफ़ी स्टूडेंट्स भी है जो यहाँ पर दौड़ भी लगाते हैं। वो सामने आप जो देख रहे हैं वाइट बिल्डिंग, वो मिल है, वो राइस मिल है एक्चुअली, और काफ़ी सारी राइस मिल है यहाँ पर, क्योंकि ओपन एरिया में ही राइस मिल वगैरह ज़्यादा होती है, आप जानते ही होंगे, तो यहाँ पर राइस मिल भी बनी हुई है। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं स्कूल की, वही बिल्डिंग है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी दूर से, तो ये कुछ इस तरह की बिल्डिंग है, और ये एक किसान है जो कि अपने खेत में काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, वो देखिए, आई होप आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर एक दूर ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, और वो देखिए सनसेट पॉइंट, शाम के वक्त ये नज़ारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप देख रहे हैं, ये देखिए सूरज अस्त। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।